आज 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया गया। भारत मंडपम दिल्ली में ये आयोजन वही हुआ जहां G20 का आयोजन हुआ था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिएटर्स को पुरस्कृत किया। आइए मैं आपको कुछ अवार्ड्स दिखाती हूँ जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस अवार्ड के विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोक गीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। बात कुछ सुनाई दो और क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। देखा होगा मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुना। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। And the Best Storyteller Award. The award goes to Kritika Govindaswamy, known as Kirti History. She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. Oh, Baba, I'm fanning. Okay. ऐसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और उसमें भी अब कोई बेटी। मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। I'm sorry, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। एलाको वनकुम। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट honorable prime minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages and you said like Tamil. So I should start with vanakkam. Yeah, vanakkam. So I'm
really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform, which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored. I'm just shaking. I don't know what to say. Thank you so much. नहीं आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती हैं और बड़ा अब तो जहां से ये काम कर रही है थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है तो क्या फील करते हैं आप? I would say it's little complicated since you know history and politics are like interconnected. So it's like I get a lot of toll also, but that's fine. It's just share with the facts and all. टीनेजर का जो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है मतलब आप लोगों के लिए वो समय घटना करता है उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? They like actually in my audience I have a lot of teenagers and they really watch things. इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है. Yeah. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है. Yeah, yeah. People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की. Thank you. All the best. So big applause for Kritika Govindaswamy. And the next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया. We know him as Beer Bison. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. Daiyo. तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए. तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है. तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो. मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है. आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं. कभी आप मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं. क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी. मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा. मेरा वेवलेंथ नहीं. मैं विषय पूछा क्या नींद के संबंध में आप कोई कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियन येटीज के सपने आते हैं. नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए. मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं. मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं. मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है. मैं बहुत कम सोता हूं लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे ऐसा मैं नहीं चाहता हूं. मेरा जगाना लोगों को जगाना मेरा काम है लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है. कभी उस पर सोचिए ना. योग निद्रा करनी चाहिए. योग निद्रा अलग है जी. वहां मत ले जाइए. देखिए योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है नहीं हो पाती तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है. आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर. अरे वाह. चलिए मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई. ऑल द बेस्ट. एंड द नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट क्रिएटिव फॉर सोशल चेंज और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है. One of the youngest spiritual orators, she shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको. चलिए आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है. बहुत बहुत धन्यवाद. बताइए कुछ. जी मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और
गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर, इस अवार्ड में तीन लोगों के नाम हैं, किरी पॉल फ्रॉम तंजानिया एंड कैसेंड्रा मेस पिटमैन, द जर्मन सिंगर। एंड वी हैव वन मोर अवार्ड विनर इन दिस बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर कैटेगरी, एंड ही इज ड्रू हिक्स। He's an American with Hindi and Bhojpuri skills, and he's gained fame for fluent Hindi and Bihari accent. So, आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे? मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया, और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रेवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। सो द ब्यूटी ऑफ इंडिया हैज बीन शोकेस्ड बाय हर इन हर वीडियोज। That's Kamya Jani. बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कामिया जी, बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है, और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए, और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है, और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था, खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता अब सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है, और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत के इन धरोहर का परिचय करवाती हो, तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं, उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में, ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे, और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है तो दौड़ो पकड़ो।
और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ ना कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। एंड नाउ लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी, और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया, एंड यू इवन कवर्ड UPI इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे मैंने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ, तो बस वही स्टार्ट किया। आपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूँ। सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय पर मेरी जरूर चर्चा होती है और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा UPI ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा, लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहाँ की टिकट UPI से खरीदी तो बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। एंड नाउ लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेन, RJ रौनक, जो अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले RJ रौनक। क्या RJ कहते हो भैया? रौनक ने ही RJ नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था
तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं, हमने इतने सालों से काम किया लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारे रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बहुआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सर नमस्ते सर, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की आखिरी श्रेणी बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन बहुत बहुत बधाई हो। सर आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर, वो तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, यू नो ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 सात साल बाद सर वी आर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सर, तो विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। तो 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज के टाइम सर 70% ऑफ आर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए, और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों जजेज और भी दो लोग थे लेकिन शायद वो बाहर है, मैं जजेज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने शानदार लोगों को परिचय करवा दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको।